नखराली ढाणी। गाइस नखराली ढाणी का रात का नजारा देखने लायक होता है मस्त झकास, और क्योंकि तो राम राम सा, हम पधार चुके हैं नखराली ढाणी और दिन का तो आपने देख लिया और अब रात का आपको नजारा दिखाऊंगा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और चलिए एंट्री, ये गेट है और एंट्री हो चुकी है। और चलिए श्री राम गाइस, ये कबूतर है जो गायब कर दिया था अजीत जी ने, है ना, अपने जादू से। और ये कबूतर वापस लौट आया, बट इन्होंने किसी को बताया नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें बताया, बोले कबूतर लौट आया है, है ना। कबूतर कहाँ गायब हो गया था, ये सिर्फ टेक्निक है, ये भी दिखा, ये बताने की टेक्निक नहीं है, बट गायब हो गया था ये कबूतर। हाय कबूतर, टीटू नाम है इसका। हाँ, टीटू शायद कठपुतली शो भी होगा, तो कठपुतली शो तो अभी बंद है, बट अभी मैजिक शो देखते हैं कैसा रहता है। गेट बंद होने वाला है, जादू भी देखा, बट है ना वहाँ पर ना वीडियो बना ला था, अलाउ नहीं था अंदर। और अभी जहाँ पर ढोल वगैरह बज रहा है ना, यहाँ पे खूब नाचा, अभी काफ़ी डांस किया। और यहाँ पर अभी कुछ गेम वगैरह भी, बॉलिंग का है, बास्केट में बॉल अगर पहुँच गई तो खिलौने मिलेंगे। ये परंपरा है ना राजस्थान। भैया मेरे, है ना। तो गाइस ये हमारा स्वागत हो चुका है, और ढोल बजाओ। ये हमारे पहरेदार हैं जो कि गेट पे हमेशा खड़े रहते हैं, और ओ ये हाथी है जिस पर हम सवारी कर सकते हैं, बट अभी सवारी बिल्कुल नहीं कर सकते हम। और ये हमारा आज का मेन्यू है कि जो बना हुआ है, जैसे फुलका रोटी, मिक्स रोटी, बापला, तुअर दाल, शाही पनीर, जैसे काफी सारी चीजें आप लोग आज के खा सकते हैं। चलिए अंदर। और ये है लालटेन जो कि दर्शाता है हमारी परंपराओं को। चलिए आगे। वेलकम टू नखराली ढाणी, और हम आ चुके हैं नखराली ढाणी, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग नजर आ रही है हमको, है ना। और चलते हैं, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। तो गाइस बताइए कि ये क्या होगा। ये होगा नगाड़ा, डूम डूम डूम, आपने कोयला मूवी में देखा होगा ना। और ये तबला है, कितना 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 कितना। और ये है वीणा जो कि हम पेट के बजाय बजा सकते हो, नहीं उठेगी तो कोशिश भी नहीं करते, बट ये काफी अच्छा लग रहा है। और ये है बच्चों की, ओ माय गॉड, ये नवी गिर जाती। ये है बच्चों की खेल खिलौने की दुकानें जो कि नखराली ढाणी में आपको अंदर मिल जाएगी। और ये चूड़िया भी है यार, ये वाली चूड़ी कैसी चूड़िया, और ये चूड़िया की क्या है, स्प्रिंग है खेलने वाला। अच्छा स्प्रिंग है, बच्चों की खेलने के लिए ना। और ये आंटी की शक्ल याद रखना, आप अगर नखराली ढाणी में आए ना तो आंटी मिलेंगी आपको, है ना, और इनकी दुकान से खरीद लेगा। ये वो पेन है ना, झटके करंट वाला, अरे बाप, ये कितने का रुपए का करंट वाला पेन, 80 रुपए का। गाइस ये करंट वाला पेन है 80 रुपए का। ये रख देते अपन चूड़ी वापस, यहाँ रख देता हूँ। और स्नैक भी है इसे टांग के चलो मेरे संग, वो ज्यादा लफासी हो रही ना। और लेजर लाइट भी है जो बचपन में हम, है ना, बहुत चमकाते थे लोगों को, है ना, चेहरे पे चमकाते थे, और इसमें ड्रैगन वगैरह भी बनते थे। और आगे चलते हैं, इधर क्या है, क्या जी, कुर्ते। अच्छा कुर्ते नहीं लेते हैं, तो आप ले लो, कुर्ते पहनने लायक दिख रहे हैं हम तुमको, घर वाले को पहना देना। ये शादी नहीं है, शादी नहीं मेरी, अरे बहन को पहना देना। हाँ गुड,
तुम ही मेरी बहन है, तुम ही पहनो। हाँ, तो दो फिर खरीद कर दो ना, मैं पहन लूंगी। बहन की खुद की दुकान है, बहन ना? की नहीं है, खुद की दुकान है। देखो यहाँ पर दुकानें ही हैं, मतलब आपको चूड़ी वगैरह भी राजस्थानी पैटर्न में अगर चूड़ी वगैरह भी खरीदना हो ठीक है तो आप खरीद सकते हैं। और ये कड़े भी है, ये क्या प्राइस है इनकी? 150 रुपए। कम वगैरह कुछ होता है, मार्जिन होता है कि नहीं? हो जाएगा ना? आ, हो जाएगा। तो फिर एक्चुअल प्राइस बता ना जो देने आएगा। 130। अरे यार, तो गाइस इनकी भी शक्ल याद रखना और ये बहन की भी शक्ल याद रखना, जो कुर्ते बोल रही हूँ कुर्ते पहनना, कुर्ते है ना, ठीक है? ये देखो, ये कुर्ते पहन लेना। अब मैं आ नहीं सकता इसमें, बस ऐसे देख लीजिए, डिंग 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 भी है, जैसी पहनना चाहते हैं आप पहन सकते हैं ठीक है। और बट यार जेंट्स में, तो गाइस जेंट्स में नहीं है तो तुम मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। चलिए आइए सब्सक्राइब करो। देखिए अपने सब्सक्राइबर तो बढ़ते हैं। राजस्थानी जैकेट वगैरह, कोट वगैरह और सब मिल जाएगा आपको, जेंट्स में मिल जाएगा और लेडीज के लिए मिल जाएगा ठीक है। अंकल कितने कितने की ये जैकेट? 400। ये 400 रुपये की जैकेट है ना? और पगड़ी वगैरह भी मिलती है यहाँ पर? अच्छा नहीं मिलती। तो जेंट्स लेडीज दोनों की मिल जाएंगी? वाइस जेंट्स लेडीज दोनों की मिल जाएगी सॉरी राजस्थानी ट्रेडिशनल में। चलिए इधर तो सारी कान के बाली है और लाइन की दुकानें हैं ना। गर्ल्स का आइटम बहुत ज़्यादा मिलता है, गर्ल्स का आइटम बहुत ज़्यादा मिलता है, जेंट्स का बिल्कुल नहीं मिलता। क्या गाइस हम लोग खरीद नहीं सकते क्या? ऐसा है कुछ है क्या? नहीं। कितने रुपए की मोजड़ी? 300 से लेके 550। तो गाइस 300 से लेके 550 रुपए तक मोजड़ी मिल जाएगी लेडीज जेंट्स दोनों ठीक है। और इधर क्या है? आओ इसमें ना पानी की बॉटल रख सकते हैं, पानी की बॉटल भी बकायदा इसको गले में डाल दिया ठीक है। गाइस लेडीज पर्स वगैरह है यहाँ पर, काफी खूबसूरत खूबसूरत है। और ये इन पर्सों को क्या बोलते हैं? जयपुरी वर्क पे। और कितने रुपए से शुरुआत है? 400 रुपए वाला कौन सा? ये जयपुरी वर्क 400 रुपए वाला है गाइस, जिसमें हाथी की पेंटिंग बनी हुई है ठीक है। और 50 वाला कौन सा? ये 50 रुपए। इसमें पैसे है कि बच्चों के? गाइस ये 50 रुपए का है जो कि आप बच्चों के लिए काफी अच्छा है, बच्चों के लिए ले सकते हैं आप, बताओ बड़ों के लिए। और ये कितने का? 100 रुपए का। गाइस 100 रुपए मतलब आपको अगर राजस्थानी ट्रेडिशनल में अगर कुछ पर्स वगैरह लेना है तो बकायदा आप यहाँ पर नकली जानी में अंदर आओगे तो आप बकायदा खरीदो तो ये तो सही ही। तो चलिए आगे चलो। और ये है बच्चों का गेमिंग जोन जिसमें बूल की सवारी कर सकते हैं, मतलब बेल की सवारी कर सकते हैं और यहाँ पे नाव में घूम सकते हैं बकायदा, और उधर जंपिंग कर सकते हैं, उधर झूला झूल सकते हैं। तो इसके ना रेट मैंने वैसे आपको सुबह वाली वीडियो में आपको बता दिया होगा, जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं बकायदा। तो ये तो गेमिंग जोन हो गया। और इधर दरबार हॉल है, पर दरबार हॉल में हम जा नहीं सकते यार क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं, शायद शादी ब्याह सब बढ़िया बीच में आ गए थे। हेलो मैं हूँ चांद। अरे भाई जल्दी निकलना। हेलो रूप, तो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा और मेले में भी गए होंगे तो रिंग लाइट गेम आप लोगों ने देखा होगा, जो ऐसे फेंको और जिस पे आ जाएगा उसको पैसे मिलेंगे ना जी, इनाम मिलेगा। और हम इसी के चलते चक्कर में 40 से 50 रुपए हर जाते थे और घर लौट कर चले जाते थे। और इधर क्या? अच्छा इसमें यार, अच्छा निशाना लगाओ और अगर 2-5 पे आ गया तो क्या होगा? इनाम मिलेगा इसका, इनाम मिलेगा। अगर 12 पे फेंक के तो खाली है, ये खाली है भरा क्या? वैसे आप 2 नंबर पर मारते तो फर्क नहीं मिलती, 13 पर सीटी मिलती, 1 नंबर पर टेनिस की बॉल, 12 मुंपाड़ी, 14 पे पेन, 8 पे बच्चों का चश्मा हाँ। और 20 सेंटर पर लगा दिया तो 50 रुपये। 50 रुपये ना। और इसका क्या रुपये रेट है? 40। इसका 40 रुपये। सभी गेम की 40 रुपये, सभी गेम के जितने भी यहाँ पर गेम है सबके 40 रुपये। तो वैसे अगर आप नकली रहने आएंगे तो खेलेंगे तो सही, खेले भी ना तो मानेंगे, बट रात को आप है ना शाम को आइएगा ठीक है। और अपन चलते हैं इधर कूपन बकायदा तीर वगैरह देखिए, नुकेली चीजें लगी हुई है इसमें ठीक है ना। और ये बकायदा निशाना लगाओ धनुष से और निपाई, ये मेरा तीर धनुष
मैं धनुष बाण सीख गया हूँ और परफेक्ट निशाना लगा चुका हूँ और अपन जाएंगे अब कहीं और। अच्छा भैया लगा के दिखाओ एक बार, ये देखिए भैया लगा रहे हैं और ये तो गाइस आप रख नखलाली ढाणी आएंगे तो कुछ खाएंगे पियेंगे, कॉफ़ी वगैरह चाउमीन वगैरह कुछ खाएंगे है ना। तो मैं आ चुका हूँ कूपन काउंटर पर और ये लिस्ट लगी हुई है, चाय सादी तंदूरी चाय कॉफ़ी मस्कबन और भजिया भेल पॉपकॉर्न गन्ने का रस बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। और यहाँ ये भैया कूपन देते, भैया दिन भर चलता रहता है, सुबह 9 बजे से रात की 11 बजे तक चलता रहता है। वो कुछ ये कठपुतली वगैरह का भी चार्ज लगता है क्या? कुछ नहीं, सब फ्री है। आपके जो टिकट लेकर आते हो हाँ, सब खाना जो शो चलते हैं सब फ्री रहते हैं, सब फ्री रहते हैं, बस खाने पीने का चार्ज लगता है। जो आपको जो नाश्ता वगैरह करना है उसका चार्ज लगेगा और जो खाना रहेगा कार्ड में उसका नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए थैंक यू भैया। तो यहाँ से गाइस 11 बजे निकल रहे हैं और ना फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो कुछ वीडियो बना ही नहीं पाए। और ये पानवड़ी की दुकान अब दिख रही है, ये पानवड़ी की दुकान भी है, राजस्थानी का पूरा मज़ा दे रहे भाई साहब। पानवड़ी में क्या फेमस चीज़ है? हाय हाय कितने का पान खा लेते हैं यार पानवड़ी की दुकान पे, दुपारी मत डालना है ना। पानवड़ी दुकान पे पान फेमस है ना भाई साहब ने बना दिया। हाँ भाई साहब ओ